अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अगली अपनी लैब में जो है आउटगोइंग कॉल्स और इनगोइंग कॉल्स देखेंगे। PSTN से मैंने एक टेलीफोन लाइन ली हुई है और जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा सकता हूं कि ये वाली साइड जो है वो मैंने PTCL से ये वाली लाइन ली हुई है और ये दो एनालॉग फ़ोन मैंने अपने इस कार्ड से कनेक्टेड किए हुए हैं। तो अब हम जो है जो देखेंगे वो ये है कि अगर मैं मोबाइल से अपने मोबाइल से कॉल मिलाऊंगा इधर, तो वो ट्रांसफ़र किसी भी एक्सटेंशन पे मैं इस पर करूँ या इस पर करूँ, तो वो कॉल जब राउटर को रिसीव होगी तो वो इधर ट्रांसफ़र कर देगा। और सेम हम इस फ़ोन्स के लिए, दोनों के लिए ये अलाउ कर देंगे कि अगर कोई भी हम कॉल करते हैं मोबाइल पे या किसी भी लैंडलाइन नंबर पे या पर्टिकुलर किसी एक मोबाइल पे, तो यहाँ से कोई भी कॉल वो बंदा करेगा तो वो राउटर से होकर इस इंटरफेस से बाहर जाएगी और वो किसी मोबाइल या लैंडलाइन नंबर पे रिंग करेगी। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे दोनों। सबसे पहले हम आते हैं एक्सटेंशन की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको ये लैब करवाई है, तो अगर मेरे पास सेव है तो वो मैं यहाँ से कमांड्स उठा लेता हूँ ताकि बार बार मुझे रिपीट ना करनी पड़े। तो इसकी लैब मैंने ऑलरेडी पहले कॉन्फ़िगर की हुई है और हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से मैं कैमरा से उठाता हूँ अगर ये वाला फ़ोन, तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ 1101, तो ये कॉल इधर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटेंशन पे कॉल आ रही है। तो अब हम पहला काम करेंगे कि हम अगर उस पे PSTN के नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो वो कॉल हमारी कैसे इस एक्सटेंशन के ऊपर आती है। तो ये वाला नंबर है, तो फ़िलहाल जो है इस लैब के लिए ये नंबर मैंने रखा हुआ है, पर जो है आगे जाके ये चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ये सपोज करें कि ये हमारे पास एक PTCL का नंबर है। तो पहला काम मैं जो करता हूँ वो ये कर इसमें कॉन्फ़िगर हम करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम इस पे डायल पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस जो है हमारे पास FXO जो पोर्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम उस पोर्ट में आ रहे हैं वॉइस, और उसके बाद यानी वॉइस पोर्ट, और हमारी वो पोर्ट कौन सी है, 0/2/0। तो ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं आउटगोइंग। इंटरफेस ठीक है, और इसको हम कमांड चलाएंगे कनेक्शन पिलार, और कोई भी हम नंबर देते हैं 1101। यानी कोई भी अगर इस इंटरफेस पे या इस नंबर पे कॉल करेगा तो राउटर को इस इंटरफेस पे रिसीव होगी और वो इस कमांड के थ्रू वो उस एक्सटेंशन पे वो कॉल ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर देगा। तो अभी हम उसके ऊपर आते हैं मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल पे ये देखें मैंने ये नंबर डायल किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल विजिबल नहीं है। तो ये देखें, ये मैंने मोबाइल पे वही नंबर डायल किया है और वो मेरी इस एक्सटेंशन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, कॉल इन लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये डायल नंबर है, ये सीधी मेरे पास एक्सटेंशन पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो हमारा ये जो पहला टास्क था वो कंप्लीट हो गया, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हमने क्या किया, हमने बाहर से कॉल की इस नंबर पे और ये राउटर को रिसीव हुई और राउटर ने उस एक्सटेंशन पे वो कॉल ट्रांसफ़र कर दी। अब हमारा जो दूसरा मकसद था, हम इंटरनल यानी एक्सटेंशन से कॉल करें और वो कॉल हमारी
इधर मोबाइल पे चली जाए, तो आप इसको लिमिट भी कर सकते हो, आप इसको लैंडलाइन नंबर पे भी लिमिटेड कर सकते हो, आप इसको मोबाइल नंबर पे भी कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर मोबाइल के किसी पर्टिकुलर एक नेटवर्क पे भी हम इसको लिमिट कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, वो आप जैसे कन्फिगर करें। वो मज़ीद आगे हम एक और वीडियोस वगैरह में देख लेंगे कि उसकी कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। तो उसके लिए जो हम कमांड यहाँ पे रन करेंगे, आप उसका एक और रूल बनाएंगे डायल पेयर का और वॉइस, और इस रूल को हम 101 के नाम से कर देते हैं, और POTS क्योंकि एनालॉग फोन है इसलिए पोर्ट सम करेंगे। उसके बाद देख डेस्टिनेशन पैटर्न हम बताएंगे, और ये 9T में कर देता हूँ। T का मतलब यानी 0 से लेकर 32 तक ये लेंथ नंबर की कोई भी आप इस पे डाल दें तो वो आपकी कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद हम इसको फॉरवर्ड डिजिट्स जो है वो हम मोबाइल नंबर की, यहाँ पर पाकिस्तान में 11 डिजिट्स होते हैं तो वो मैंने 11 डिजिट्स कर दिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक नंबर स्ट्रिप ऑफ कर देता है, यानी अगर 9 है तो वो 9 आपका स्ट्रिप यानी निकल जाएगा और आगे जो 11 डिजिट्स होंगे वो आपके PSTN नेटवर्क पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये मैंने कमांड दी। उसके बाद इसको मैं अब पोर्ट बताऊंगा कि भाई कोई भी कॉल जब जाए तो वो आपके किस इंटरफेस से निकल जाए। तो ये मैंने PSTN वाली जो FXO वाली पोर्ट थी वही मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पर एग्ज़िट करूँगा और मैं अपने मोबाइल पे कॉल करूंगा। और ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ये मैंने 9 टाइप किया, 3, तो अभी मोबाइल के ऊपर आते हैं, थोड़ा ये टाइम लेता है। तो ये जनाब मेरा मोबाइल है, अब मैंने ये देखें ये एक्सटेंशन, यहाँ से मैंने कॉल की हुई है, ये कॉल जा रही है और ये इस पे रिंग करेगी, ये देखें वही नंबर आ गया हमारे पास। और ये आप ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये जस्ट सिंपल दो तीन मेथड्स थे जो हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी सी और वीडियो VoIP के हवाले से आपको मिले और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो इंशाल्लाह टच में रहिएगा, मैं इंशाल्लाह नए एक टॉपिक के साथ आऊँगा और इंशाल्लाह इसी चैनल पे एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जल्दी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।